वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम बिंदु मैम। टुडे 29 जुलाई। आज हम क्लास 5 के बच्चे को जीके पढ़ाने जा रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैप्टर आपका 16 है, वीडियो 1 डे 1। आपका जो चैप्टर 15 तक पढ़ चुके हैं, 16 में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए क्लास 5 के बच्चे अपने जीके बुक को निकालें। चैप्टर का नाम है इंडियन वार्स। इंडियन मीन्स होता है भारतीय, वार मीन्स योद्धा। तो हम लोग भारतीय योद्धा को देखेंगे और इसमें से हेल्प डिक्शनरी लेंगे और सही सही उत्तर को भरेंगे। तो एक आपका वार्स मेटल्स है कि लड़ाई हुई थी, और ये आपका ईयर है। तो दोनों तरफ इसको पढ़ेंगे, इसमें फिल करते जाएंगे हेल्प डिक्शनरी लेकर। तो व्हेन वी स्टडी इंडियन हिस्ट्री, जब हम इतिहास को देखते हैं, भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो वी फाइंड दैट ए नंबर ऑफ वार्स और बैटल्स वेयर आउट ऑन द लैंड ऑफ इंडिया। हम लोग देखते हैं कि लगातार किस तरह से युवा योद्धा लड़ते रहे। सम इम्पोर्टेंट वार्स आर गिवेन, मतलब कुछ दिया गया महत्वपूर्ण वार्स आर गिवेन बिलो, कुछ दिया गया है। राइट द ईयर्स इन विच, हम लोग इसमें साल भरेंगे। एंड विच, जबकि दे वेयर आउट, जब लड़े थे, यूज हेल्प डिक्स, हेल्प डिक्स से लेकर। तो वार्स और बैटल्स इधर दिया गया है। ये फर्स्ट का इधर हो जाएगा वार्स, उसके बाद क्या बैटल्स, बैटल्स इस तरह से। और दूसरा तरफ हम लोग का हो जाएगा ईयर, ये जो है आपका साल है। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई सबसे पहले किस चीज में हुई थी, 1526। उसके बाद हमारा जो है सेकेंड नंबर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो 1556, कहने का मतलब 1556। फिर फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व किए, आगे हमारा है थर्ड नंबर, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो कितनी ईस्वी में हुई थी, 1576, 1576। ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761, 1761 ईस्वी में। उसके बाद फाइव नंबर बैटल ऑफ हैदरपास, तो झेलम है, तो ये झेलम की जो है हैदरपास वो लड़ाई जो हुई थी 326 BC। ओके, फाइव नंबर। फिर आगे हमारा सिक्स नंबर कलिंगा वार, कलिंग वार का जो कलिंग युद्ध हुआ था वो किस ईस्वी में, 261 BC। ओके, उसके बाद हमारा है एट नंबर बैटल ऑफ कनौज, तो कनौज की लड़ाई 1539, 1539 ईस्वी में हुई थी। तो हम लोग सेवन तक सॉल्व कर लिए। आगे हमारा है एट नंबर बैटल, बैटल ऑफ चौसा, यहाँ से चलते हैं सिक्स नंबर कलिंग वार, कलिंग वार जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 BC। सेवन में फिर हमारा है बैटल ऑफ, बैटल ऑफ चौसा, ये कब हुआ था, 1539, 1539 ईस्वी में। फिर हमारा एट नंबर है बैटल ऑफ कनौज, ये हमारा हुआ था 1540, 1540 ईस्वी में। फिर नाइन नंबर है बैटल ऑफ प्लासी, तो ये हमारा हुआ था 1757, 89 तक हमारा सॉल्व हो गया। फिर हम आगे चलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई जो हुई थी 1764 ईस्वी में, 1764। अलेवन बैटल ऑफ बिदेरा, तो ये हमारा 1759 ईस्वी, 1759। तो 10, 11 हो गया, 8 लास्ट हमारा बच जा रहा है बैटल ऑफ वांडीवास, तो ये हमारा हुआ था 1760। इस प्रकार से ईस्वी को याद कर लेना है, और इसको भी हमें कॉपी में भी नोट करना है, सॉल्व दी कॉपी एंड बुक, इसे हम बार बार याद कर लेंगे। तो देखेंगे कि हम लोग का जो भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है, जिसमें से कि हेल्प डिक्स से लेकर उसे हम फिल करेंगे। उसके बाद
नो नाउ, अब हम कुछ जानेंगे। द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड राणा संगा, तो संग्राम सिंह, तो बैटल ऑफ खानवा ये जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी, 1527 ईस्वी। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल इम्पीरियल इन इंडिया, क्या था बाबर, भारत में मुगल शासक बना के रहा और वह शासक करता रहा शासन। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया और इसे आप याद भी कर लेंगे, फिर हम आगे के वीडियो में प्रस्तुत हूँ। थैंक्स।